बांग्लादेश आजादी युद्ध के दौरान सेना के शौर्य और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहस को कांग्रेस भुनाएगी, इसे लेकर एआईसीसी ने सर्कुलर जारी कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक महेंद्र सिंह मालवीय की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी अगले एक साल तक प्रदेश भर में जिला और ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस दौरान कांग्रेस सरकारों के शासनकाल में हुई सर्जिकल स्ट्राइक, आजादी के आंदोलन में कांग्रेस नेताओं का संघर्ष और देश के नवनिर्माण में योगदान को लेकर लोगों को जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रमों के लिए जिला संयोजक नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो दिखाया था, जो रणनीति कुशलता और सेना के शौर्य को इतिहास में आज तक 93,000 सशस्त्र सैनिकों ने समर्पण किया था, थल सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ और ईस्टर्न सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष 93,000 पाकिस्तानी सशस्त्र सेना ने समर्पण किया, आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस अभूतपूर्व शौर्य को जन जन तक ले जाकर जनता के बीच में जश्न के रूप में, एक समारोह के रूप में मनाने के लिए पूरे वर्ष तक राजस्थान में एक प्रदेश स्तरीय और जिला संयोजकों की एक कमेटी का आज घोषणा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा की गई है। बांग्लादेश आज़ादी को लेकर पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था और कांग्रेस सरकार के हस्तक्षेप से पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क बनाया गया था। अब कांग्रेस इसे बीजेपी की तर्ज पर भुनाएगी। प्रदेश स्तरीय समिति में रिटायर्ड ब्रिगेडियर भगवान सिंह, पूर्व सांसद भरत राम मेघवाल, नाना लाल निनामा, मंगला राम गोदारा, जाकिर हुसैन गैसावत समेत कई और नाम भी शामिल हैं। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।